ग्वालियर से भाजपा महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने MITS कॉलेज मेला रोड मतदान केंद्र पंचशील वार्ड 21 के मतदान केंद्र क्रमांक 408 में अपना मतदान किया है, लेकिन इस दौरान मतदान करने आने वाले क्षेत्रवासियों ने उनसे शिकायत की तो उन्होंने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। गौरतलब है कि प्रत्याशी सुमन शर्मा का मतदान केंद्र भी बदल गया है, जिसकी जानकारी भी उन्हें नहीं थी। इधर ओरेकल पब्लिक स्कूल रॉक्सी टॉकीज में पर्ची को लेकर गलतफहमियां हुई हैं, पर्चियां नहीं मिल रही थी। मतदाताओं में जोश बरकरार है, अब मतदान केंद्रों पर मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और लाइन लगी है। प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि भी अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सांसद विवेक सेजवलकर ने पत्नी के साथ मतदान किया है। इसी तरह SSP अमित सांगी ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया। इधर चेतकपुरी के पोलिंग बूथ पर मशीन खराब होने से मतदान कुछ देर तक रुका रहा, बाद में मशीन बदली गई और मतदान शुरू करा दिया गया है। इसी तरह राम मंदिर पर स्थित बालक मंदिर के मतदान केंद्र की मशीन खराब हो गई थी, यहाँ मशीन भी बदली गई है। अभी तक शहर में शांति से मतदान चल रहा है और कहीं से भी किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। बताओ आप क्या बैठिए, बैठिए लगा के और जो बताता है उसकी मदद करिए, ऐसा नहीं चलेगा। BLO की करवाना कैसे BLO हो जाएगा, मेरे पास